कैसेट नंबर 3 साइड ए प्रारंभ पृष्ठ 75 अध्याय 9 शेष भाग। प्रकृति का आंचल ही शिक्षा स्थली है। आज इन सब के विपरीत समाज सिर्फ लूटपाट, एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़, हिंसा, ज्ञान के खंडित रूप आदि से व्याप्त है, तो फिर इस प्रकार के वातावरण में शिक्षा जैसी प्रक्रिया कैसे चल सकती है? इसीलिए जय कृष्णमूर्ति समाज की लूटपाट से दूर प्रकृति के उस आंचल को चुनते हैं जहां चारों ओर विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियां हैं और मानव से ये अभी भ्रष्ट नहीं हुई हैं, जहां अभी शांति, स्तब्धता और सौंदर्य है। और वे चाहते हैं कि हम पक्षियों का कलरव, पत्तों के बीच गुजरती हुई वायु की साए साए को सुन सकें, आकाश की सुंदर नीलिमा को निहार सकें। ये सब सीखने की प्रक्रिया में ही शामिल हैं। उन्हें इस बात का दुख होता है कि हम सब इनके प्रति धीरे धीरे उदासीन हो गए हैं, पृथ्वी के सौंदर्य का बोध खो चुके हैं। अपने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली और वाराणसी के राजघाट स्कूलों के बच्चों से बातचीत के दौरान वे कहते हैं, प्रकृति को, इस अम्बलिका वृक्ष को, बौर फूटते आम कुंजों को आप देखें और सवेरे तड़के रढ़लती संध्या में पक्षियों का कलरव सुने, स्वच्छ आकाश को, उसके तारों को देखें, कितने अल्पम सौंदर्य का सूर्य उन पहाड़ियों के पीछे से अस्त होता है। उन तमाम रंगों को, पत्तियों को, भूमि के सौंदर्य को, समृद्ध पृथ्वी को देखें। इस समूची प्रक्रिया से हम ध्यान देना सीखते हैं, और जब हम ध्यान देते हैं तो वस्तुओं को कहीं ज्यादा स्पष्टता से देखते हैं। जय कृष्णमूर्ति मानते हैं कि इस प्रकार से एक नए मनुष्य का जन्म हो सकता है। शिक्षकों से बातचीत करते हुए वे इसकी कामना करते हैं। दक्षिण में ऋषि वैली तथा उत्तर में राजघाट जैसे स्थानों में हमारा उद्देश्य एक ऐसे परिवेश का है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां यदि संभव हो सके एक नए मानव को जन्म दिया जा सके। उन्हें इस बात की पीड़ा भी है कि शिक्षक के रूप में कोई यह महसूस नहीं करता कि वह एक नई पीढ़ी को जन्म दे रहा है। नएपन का सपने को संजोए हुए कृष्णमूर्ति जी अपने नित नए रूपों को प्रकट करने वाली सुंदर प्रकृति को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिन्न रूप से शामिल करते हैं। यही उनकी सीखने की सामग्री है। ज्ञान का संग्रह सीखना नहीं है। वे संजोए हुए ज्ञान के विरोधी हैं, क्योंकि संजोया हुआ ज्ञान उस समय देखने की प्रक्रिया में बाधा बनता है। संजोया हुआ ज्ञान तथ्य नहीं है, वे कहते हैं, संग्रह किया हुआ ज्ञान तथ्य नहीं है। उनकी चिंता है, क्या विद्यार्थियों को यह सिखाया जा सकता है? तथ्य के साथ रहना, यानी इस क्षण की वास्तविक घटना के साथ रहना, मनोवैज्ञानिक रूप से या बाह्य रूप से? संग्रह किया हुआ ज्ञान तथ्य नहीं है। यह तथ्य के बारे में हो सकता है और उसका एक उचित स्थान भी है, किंतु जो वस्तुतः है उसके देखने में ज्ञान बाधा बन जाता है, तब विकृति और भ्रष्टता आ जाती है। उनकी नजर में सीखने की प्रक्रिया ज्ञान संचित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जब केवल एक ज्ञान का संचय होता है तब सीखना समाप्त हो जाता है। सीखना तभी होता है जब संचय बिल्कुल होता है, तब ज्ञान सही प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है और सीखने का अंत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उन्हीं के शब्दों में, जितना मैं ज्ञान जोड़ता हूं मन उतना ही सुरक्षित, उतना ही आश्वस्त हो जाता है और इस प्रकार सीखना बंद कर देता है। सीखना कभी भी संचयात्मक प्रक्रिया नहीं है। जब व्यक्ति सीखता है तब यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि ज्ञान का संचय केवल सूचनाओं को प्राप्त करना है तथा उन्हें एकत्र करने की प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति जी की सीखने की प्रक्रिया ही अपने आप में शिक्षा है, और यह आज की मनोवैज्ञानिक शाखा व्यवहारवाद की मनोवैज्ञानिकता पर संदेह प्रकट करती है। उनका मानना है कि शिक्षा का संबंध जीवन की समग्रता से होना चाहिए, ना कि तत्काल उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के प्रति तत्काल होने वाली अनुक्रिया से। शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है, इसीलिए जय कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा की प्रक्रिया संवाद की प्रक्रिया है। वह संवाद करती है अपने से, प्रकृति से, विश्व से, मनुष्य से, मौन भी और सवाक भी। संवाद सक्रियता का, समग्रता का पर्याय है। यह संयोजन है, विखंडन नहीं, और शिक्षा संयोजन की प्रक्रिया है, विखंडन की नहीं। जय कृष्णमूर्ति जी का संवाद जीवन के सत्य को ढूंढने की प्रक्रिया है, सौंदर्य को खोजने की प्रक्रिया या दूरदृष्टि की प्रक्रिया है। जरूरत है तो पूर्वाग्रहों को छोड़कर, शुद्ध होकर, भय से मुक्त होकर, वस्तुनिष्ठता से विचार करने की, संवाद करने की, तभी महसूस होता है। सौंदर्य तो चरम संवेदनशीलता है, अपनी निजी पीड़ाओं और चिंताओं के बोध के प्रति नहीं, बल्कि मनुष्य के समस्त अस्तित्व को आविष्ठित कर लेने में, स्वयं समेट लेने में ही सौंदर्य का आनंद निहित है। जब खुद से संवाद होता है तब अहम समाप्त हो जाता है और आत्मज्ञान होता है, और तभी सौंदर्य का उद्घाटन है। वे कहते हैं, जब मैं की धारा पूरी तरह से सूख जाती है तब सौंदर्य का स्रोत फूट पड़ता है। जब मैं नहीं होता तो सौंदर्य होता है। अहम के विसर्जन के साथ ही सौंदर्य आवेग और आवेश का आविर्भाव होता है। इस तरह जय कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा प्रकृति की सुरम्य गोद में फलने फूलने वाली, सुंदर विश्व के लिए मनुष्य में सुंदरतम ढूंढने वाली, सौंदर्य से बातचीत करने वाली नित्य नूतन सुंदर की सुंदरमयी शिक्षा है। केवलम सुंदरम सुंदरम सुंदरम, स्वनिल सपनों की आभा। पृष्ठ 78 अध्याय 10
संप्रेषण और संवाद का ही दूसरा नाम शिक्षा है। पॉल फ्रेरे का शिक्षा दर्शन। शिक्षा के क्षेत्र में पॉल फ्रेरे के शिक्षा दर्शन को इन निम्नलिखित बिंदुओं से परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। एक, वर्तमान शिक्षा का स्वरूप या ढांचा स्थितियों में बदलाव लाने की जगह स्थितियों को जैसी ही वैसी ही बनाए रखने वाला है। दूसरा, बुनियादी बदलाव के लिए शिक्षा की भूमिका को नई बदली हुई स्थितियों के लिए बदली हुई स्थितियों की नजर में देखना होगा। तीन, बदली हुई स्थितियों की मांग यह है कि शोषकों को अपनी शोषण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा, शोषितों को अपने शोषण के प्रति जागरूक होकर इसके विरोध में आवाज उठानी होगी। शिक्षा की भूमिका व्यक्ति में सिर्फ सूचना जमा करने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह उसे एक सजग सचेत व्यक्ति के रूप में ढालने वाली होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति खुद अपनी परिस्थितियों की भलीभांति समीक्षा कर सके और अपने शोषण के विरोध करके उससे मुक्ति पा सके। ब्राजील और चिली में प्रौढ़ों के बीच शिक्षा का प्रसार प्रचार करते हुए उन्होंने जो अनुभव पाए, सोचा, समझा तथा झेला, उसी के आधार बनाकर उनका शिक्षा दर्शन हमारे सामने आता है। शिक्षा की दृष्टि से उनके दो ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, दलितों के लिए शिक्षा, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। दूसरा, समीक्षाई चेतना के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर द क्रिटिकल कॉन्शियंस। पहली किताब दलितों के लिए शिक्षा के चार अध्याय हैं। पहला अध्याय शोषक और शोषित के आपसी संबंधों से जुड़ा है। दूसरे अध्याय में शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा का वर्णन है। तीसरे अध्याय का विषय सांस्कृतिक प्रक्रिया है और चौथे अध्याय में एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए शोषितों की मुक्ति की प्रक्रियाओं का वर्णन है। दूसरी किताब समीक्षाई चेतना के लिए शिक्षा की सामग्री का संबंध निम्नलिखित बिंदुओं से है। एक, स्वतंत्रता के लिए शिक्षा। दो, सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया। तीन, जन शिक्षा का रूप। चार, शिक्षा का विस्तार। पांच, शिक्षा और संप्रेषण। पॉल फ्रेरे की दृष्टि में शिक्षा का अर्थ संप्रेषण एवं संवाद है, ना कि ज्ञान का हस्तांतरण। अगर इस कथन पर विचार करें तो मोटे तौर पर यह बातें उभरकर सामने आती हैं। एक, शिक्षा का दायरा सूचना के दायरे से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। दो, शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाने वाली ज्ञान की प्रक्रिया तक नहीं सिमटी है। तीन, यह यानी शिक्षा संप्रेषण और संवाद का मिला जुला रूप है। संप्रेषण के सभी गुण, जैसे वक्ता और श्रोता के बीच एक तालमेल बनने की शर्त पूरा होना, दी जाने वाली सामग्री को दूसरे को पहुंचाने योग्य बनाना है, दोनों के बीच अनुकूल माध्यम का होना आदि के साथ संवाद का जुड़ना जरूरी है। संवाद की प्रमुख विशेषता दोनों पक्षों के सजग व सचेत रहने में समाई हुई है। तर्क और अनुभव संवाद के आधार के रूप में काम करते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष के कथन को कसौटी पर कसते हुए साथ ही साथ उसकी समीक्षा करते चलता है। अगर इस नजर से देखें तो पॉल फ्रेरे की शिक्षा समीक्षाई चेतना की शिक्षा है। यह वह शिक्षा है जो शिक्षार्थी में उसके अनुभवों तथा अनुभवों के कारकों या कारणों पर एक गहरे सोच विचार की योग्यता का विकास कर सके, उसे अपनी सामाजिक परिस्थितियों में एक सार्थक व सक्रिय दखलंदाजी करने के योग्य बनाए, यानी वह एक सूझबूझ की प्रक्रिया में शामिल होने वाले जीवित पिंड की शिक्षा हो, ना कि बैंकिंग यानी सूचनाओं का बक्सा, अवधारणा का विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। पॉल फ्रेरे की शिक्षा उत्पीड़ित और उत्पीड़क के यथार्थ के अनुभवों की ठोस भूमि पर खड़ी हुई शिक्षा है, जो अपने आप में उत्पीड़ितों की मुक्ति की चाह को समेटे हुए है, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक उत्पीड़क खुद ही इसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने योग्य नहीं बन जाता, पूरी परिपाटी का विरोध करना नहीं सीख पाता। ब्राजील के वासी पॉल फ्रेरे 1921 का अपना जीवन अभावों, संघर्षों, तनावों की बनावट का नतीजा है। इसी की ठोस जमीन पर खड़े होकर ही उन्होंने जीवन की सच्चाई के अनुभव लिए हैं, और यही उनके शिक्षा दर्शन की बुनियादी मिट्टी है। इसी से उनके शिक्षा सिद्धांतों को रूप मिला है। अपने समय के गरीब निरक्षर किसानों को पढ़ाते हुए उन्होंने पाया कि उनकी दयनीय दशा के कारण समाज की उत्पीड़क व्यवस्था में ही छिपे पड़े हैं। अतः फ्रेरे की शिक्षा का उद्देश्य इस उत्पीड़क सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना है। इसके लिए चुप्पी की संस्कृति को खत्म करना होगा, यानी उत्पीड़ितों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे वे उन पर किए जा रहे जुल्मों को चुपचाप सहने की जगह एक सक्रिय हस्तक्षेप करने से सीख सकें और चुप्पी की संस्कृति को तोड़कर दखलंदाजी की संस्कृति को खड़ा कर सकें। इस बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उभरती है कि फ्रेरे शिक्षा को एक बहुत ही ताकत वाला, शक्तिशाली हथियार मानते हैं। अगर इस हथियार का उपयोग अच्छी तरह से किया जाए तो यह तस्वीर की सूरत को बदलने की ताकत रखती है। इसी के दम पर शोषकों ने शोषितों को चुप रहना सिखाया है, चुप रहकर जुल्मों को सहना सिखाया है। अगर हम तस्वीर बदलना चाहते हैं तो अब इसके इस्तेमाल की शक्ल भी बदलना होगा। यह सच है कि शिक्षा का अर्थ आदमी को जागरूक बनाना है, आदमी की सोई ताकत चेतना में हलचल मचाना है, चुप रहने की जगह उसे बोलना सिखाना है। इसके इस्तेमाल के दो नजरों से देखना होगा, एक उसकी नजर से जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा उसकी नजर से जिन पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। सिर्फ इस्तेमाल करने वाला ही जागरूक ना हो, बल्कि वे भी जागरूक हों जिनके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। फ्रेरे का विचार है कि स्थितियों को जैसी ही है वैसे ही बनाए रखने की जगह
उनको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इसी में शिक्षा की सार्थक भूमिका खोजनी होगी, क्योंकि शोषितों दलितों की मुक्ति शिक्षा की इसी सार्थक भूमिका में छिपी हुई है। शिक्षा अगर एक मानवीय प्रयास है तो शोषितों दलितों को उनके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार से मुक्त कराने में ही इसकी मानवीय भूमिका खोजना होगा। शिक्षा की जिम्मेदारी इसी में ढूंढनी होगी। शिक्षा को इनकी ही बेहतरी के साधन के रूप में कार्य करना होगा। शिक्षा देने के तरीकों को अगर ध्यान में रखें तो शिक्षा की समुची प्रक्रिया का निचोड़ यह होना चाहिए कि वे लोग जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वे निर्णायक की भूमिका अदा करने के लायक बन सकें। इसलिए शिक्षा देने का तरीका संवाद का तरीका होना चाहिए। यह सच है कि शिक्षा जब तक एक सामाजिक ताकत की शक्ल नहीं ले लेती तब तक समाज का हिस्सा भी नहीं बन पाती, और इसीलिए शायद बदलाव की प्रक्रिया शुरू होकर भी ठहरने सी लगती है, क्योंकि शिक्षा की बागडोर ज्यादातर उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है जो बदलाव की चर्चा तो करते हैं पर बदलाव लाने को तैयार नहीं हो पाते। यहीं से एक टकराव, एक द्वंद उत्पन्न हो जाता है और शिक्षा के रास्ते में भटकाव आ जाता है। शिक्षा व्यवस्था को जब तक उसके संदर्भ में देखा समझा व परखा नहीं जाएगा तब तक उसकी सफलता शंका के दायरे में फंसी रहती है। यानी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो इसे समझने के लिए उस संदर्भ को समझना जरूरी हो जाता है जिसमें उसे चलना व काम करना होता है। पॉल फ्रेरे का शिक्षा दर्शन इन संदर्भों की खोजबीन या जांच पड़ताल की मांग करता है। उनकी शिक्षा के दर्शन का संदर्भ तीसरा विश्व यानी गरीबी, भूख, साधनों की कमी, उपनिवेशी मानसिकता, दमन, आपसी टकराव की व्यवस्थाओं आदि के संदर्भ है। शिक्षा के रास्ते के ये ऐसे कंकड़ हैं जिनकी उपेक्षा शिक्षा को सिर्फ एक निरर्थक संज्ञा का नाम दे सकती है। रामशरण जोशी का अपने एक लेख मुक्ति की निरंतर प्रक्रिया शिक्षा में कहना है कि फ्रेरे के शिक्षा दर्शन को समाज में व्याप्त द्वंद्वात्मक अंतर्विरोधों की भूमिका तथा उनके समाधान के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। अतः वह परिवेश, उसके कारण और प्रभाव के आंतरिक संबंधों को स्पष्ट करता जाता है और यह स्थापित करता है कि शिक्षा इन संबंधों की कितनी महत्वपूर्ण देन है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि फ्रेरे इस बात में विश्वास करते हैं कि किसी समाज के शिक्षा दर्शन के लिए उस समाज की समझ एक जरूरी तत्व है ताकि उसके भीतरी अंतर्द्वंद्वों को भलीभांति समझा जा सके और फिर एक साफ दिशा दी जा सके। लेकिन यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अंतर्द्वंद के कारण क्या है। इसके अनेक कारणों में एक बहुत ही मुख्य कारण है विभिन्न विचारधाराओं की संकीर्णता और अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता। मुक्ति के लिए इस बंधन को भी काटना जरूरी है। इसीलिए फ्रेरे किसी भी प्रकार की संकीर्णता से दूर होना चाहते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी प्रकार का संकुचित सिमटा हुआ नजरिया मनुष्य की मुक्ति की बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए इससे भी छुटकारा पाना जरूरी है। यानी अपने ही अनुभूत सत्य को सत्य मानने और दूसरे के सत्य को संदेह की नजर से देखने से भी मुक्ति पाना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य की परख नहीं करनी है, बल्कि इसके विपरीत परख तो करनी है, पर केवल अपने तक सिमटना ठीक नहीं है। वस्तुनिष्ठा तो यही है कि सत्य किसी को भी यदि यह विश्वसनीयता आदि गुणों से युक्त है तो उसे सत्य मानने से इनकार नहीं होना चाहिए। फ्रेरे के इस सिद्धांत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि सत्य को किसी एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता, बल्कि इसके अनेकों विविध आयाम हो सकते हैं। प्रश्न सिर्फ खोज या कोशिशों का है, साथ ही एक साथ और महत्वपूर्ण तथ्य व्यक्ति की क्षमता का भी है। अगर आदमी को मुक्त कर देने के साथ साथ उचित वातावरण दिया जाए तो परिवर्तन संभव है। यानी आदमी असीमित शक्ति का भंडार है। तीसरे, शिक्षा की प्रक्रिया और विकास के स्वरूप में एक गहरा सकारात्मक संबंध है और विकास का स्वरूप सामाजिक संदर्भों पर निर्भर है। शिक्षा को मनुष्य के विकास का पर्यायवाची माना जाता है और यह सच है कि मनुष्य जहां एक और जैविक संरचना है तो उसकी इस जैविक संरचना का विकास उसके सामाजिक संदर्भों में ही होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की जैविक संरचना अपनी भौतिक परिस्थितियों से लगातार प्रभावित होती रहती है। वृक्ष का बीज कितनी ही उत्तम श्रेणी को हो वह जहरीले वातावरण में पल्लवित या पुष्पित नहीं हो सकता, और अनुकूल वातावरण में उसमें छिपी हुई असीम शक्ति फूटकर बाहर निकलने को मचलती है। इसी तरह से शिक्षा को यदि व्यक्ति और समाज के विकास के अनुकूल बनाया जाए तो व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति दिशा पा लेती है, और यही वास्तव में शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा है जिसकी ओर फ्रेरे अपना स्पष्ट झुकाव दिखाते हैं। अनुकूल वातावरण की ओर संकेत देते हुए उनका विश्वास है कि सहज और सरल प्रेम ही इसके रास्ते हैं। मानवीय संवेदनाएं इसका ठोस आधार हैं। रामशरण जोशी जी का मानना है कि फ्रेरे इंसानी रिश्तों के मानवीयकरण के मजबूत पक्षधर के रूप में सामने आते हैं, और इस रिश्ते को कायम रखने की सीधा साधा तरीका है विभिन्न पक्षों के बीच संवाद। संवाद के लिए तीन बुनियादी शर्तें हैं। संप्रेषण और संवाद का ही दूसरा नाम शिक्षा है। एक, संवाद में भाग लेने वाले जड़ नहीं है। दो, मुक्त और खुला वातावरण तथा तीन, विभिन्न पक्षों के बीच बराबरी का रिश्ता। मुक्त और बराबरी का रिश्ता ही असली इंसानी रिश्ता है जिसकी फ्रेरे वकालत करते हैं और संवाद की शिक्षा प्रक्रिया को असली प्रक्रिया मानते हैं। उनका बहुत ही साफ साफ मानना है कि शिक्षा की प्रक्रिया संवाद की प्रक्रिया है, ज्ञान के हस्तांतरण की नहीं।
ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया को वे बैंकिंग की अवधारणा के रूप में देखते हैं। शिक्षा को संवाद की प्रक्रिया मानने के पीछे मनुष्य को एक जागरूक, क्रियाशील, सचेत, सजग अनुभवों के प्रति संवेदनशील प्राणी मानने की अवधारणा छिपी हुई प्रतीत होती है। इसे वे पशुओं से अलग मानते हुए अपनी पुस्तक समीक्षाई चेतना के लिए शिक्षा के पहले अध्याय में साफ साफ कहते हैं कि मनुष्य पशुओं से भिन्न है। वह संसार में सिर्फ रहता ही नहीं बल्कि संसार के साथ रहता है। साथ ही मनुष्य की क्रियाएं कुछ सीमित प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी सूझबूझ के अनेक आयाम हैं। इसलिए शिक्षा को मनुष्य की इस सूझबूझ के विकास और इसे ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील बनाने की साधना होनी चाहिए। उसके लिए शिक्षा को एक प्रेरक का कार्य करना चाहिए जिससे मनुष्य के विवेचन, विश्लेषण और सर्जन शक्ति का विकास होता रहे। फ्रेरे शिक्षा की उस पद्धति की आलोचना करते हैं जिसमें एक, अध्यापक पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते या पढ़ाए जाते हैं। दो, यह माना जाता है कि केवल शिक्षक ही सब कुछ जानता है, बच्चे तो मानो कोरी स्लेट हैं। तीन, बस शिक्षा ही विचारशील है, बच्चे नहीं। चार, बोलने का अधिकार तो शिक्षक को है, बच्चों का अधिकार तो बस सुनना है। पांच, बच्चों को अनुशासित होना सिखाने का जिम्मा तो अध्यापक का ही है। छह, यह भी अधिकार अध्यापक का ही है कि वह ही चुनाव करे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है आदि आदि। बच्चों को तो आज्ञापालक बनना है। सात, बच्चे ये मानते रहे कि असली कर्म तो अध्यापक ही करता है। आठ, कार्यक्रमों के निर्धारण की जिम्मेदारी भी अध्यापक पर है, बच्चे तो बस अनुपालन करते रहें। नौ, अध्यापक को ही बस इस समुचित शिक्षा प्रक्रिया का कर्ता माना जाता है, बच्चे तो बस शिक्षा के ग्राहक हैं। दस, अध्यापक शिक्षा अधिकारी के रूप में बच्चों के लिए नियमों आदि आदि का निर्माण करता रहे। पॉल फ्रेरे ने बड़े ही विश्लेषण पूर्वक शिक्षा की इन एकांगी मान्यताओं का विरोध करके बच्चों को ही क्रियाशील व रचनाकार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उनके अनुसार इन मान्यताओं के आधार पर तो बच्चा बस एक पात्र बनकर रह जाता है जिसमें परत दर परत ज्ञान की चाशनी चढ़ा दी जाती है। यही शिक्षा की बैंकिंग की अवधारणा की बुनियादी तत्व है। शिक्षा का काम बच्चे को सक्रिय हस्तक्षेप करने वाले के रूप में ढालना है, ना कि ज्ञान कोष के रूप में बदलना। असल में बैंकिंग की अवधारणा के पीछे ज्ञान के बोझ का भाव छिपा हुआ है जिससे बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होने की जगह दबने लगता है। शिक्षा विकास का साधन है, ना कि दबाव का। पॉल फ्रेरे के शिक्षा दर्शन का एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि शिक्षा के द्वारा खामोशी की संस्कृति को तोड़ना, जिसका सीधा साधा अभिप्राय यह है कि तीसरे विश्व जैसे देशों की परिस्थितियों में शोषक या शोषित अथवा उत्पीड़क या उत्पीड़ित के बीच इस प्रकार का रिश्ता कायम हो गया है कि उत्पीड़क या उत्पीड़ितों को शोषक या शोषितों को एक प्रकार से एहसास करा देता है कि वही उसका संरक्षक है और उन्हें एक समक्ष बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में शोषित अथवा उत्पीड़ित वर्ग को यह एहसास कराया जाता है कि उनका अधिकार केवल खामोशी पर ही है। इससे उन दोनों के बीच एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पॉल फ्रेरे के विचार में इस जड़ता में वृद्धि होती है क्योंकि एक वर्ग पूरी तरह से शांत रहता है तो दूसरा वर्ग की स्थिति वैसे ही बनाए रखने में विश्वास करता है, बदलाव में नहीं। यही जड़ता की स्थिति है। पॉल फ्रेरे के विचार में शिक्षा यदि बदलाव अथवा विकास का प्रतीक है तो उसका यह कार्य बन जाता है कि वह उस खामोशी की संस्कृति को तोड़कर संवाद की स्थिति बनाए जिससे शोषक और शोषित में भेद नहीं रह जाएगा और दोनों समान धरातल पर बातचीत कर सकेंगे। सार रूप में कहा जा सकता है कि पॉल फ्रेरे का शिक्षा दर्शन अपने आप में मुक्ति की चाह को समेटे हुए है। यह सहज और सरल प्रेम का दर्शन है। संवाद उसका ऐसा साधन है जिससे शोषण के प्रति खामोशी की संस्कृति को तोड़ा जा सकता तथा शिक्षा की ज्ञान जमा करने की बैंकिंग की अवधारणा की जगह पर एक लगातार विकास की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसमें शोषक और शोषित के स्थान पर एक समान स्तर पर व्यवहार करने वाले सामाजिकों का उदय हो और समाज विकास की वास्तविक गति को भी पा सके। यानी पॉल फ्रेरे की शिक्षा संवाद के द्वारा शोषण समाप्ति पर प्रहार करने की प्रक्रिया है जिसमें आपसी विश्वास, सद्भावना, सहज प्रेम, चिंतन मनन आदि एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। पृष्ठ 86, अध्याय 11, बुनियादी शिक्षा की बुनियाद, गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी की शिक्षा की संकल्पना को अगर अपने समय की अपनी जमीन से जुड़ी शिक्षा की संकल्पना कह दें तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यह अपने समय की ऐसी बुनियादी शिक्षा है जिसकी बुनियाद जिंदगी के शुरुआती तौर पर टिकी हुई है और बच्चे के भीतर छिपी हुई है, जिसे बच्चे की बुनियादी जरूरतों या आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी माध्यम यानी मातृभाषा के द्वारा बुनियादी तजुर्बों के साथ बाहर लाने की कोशिश करनी होगी। यदि इतिहास के झरोखे से देखा जाए तो गांधी जी की शिक्षा से जुड़े विचार अपने शिक्षा संबंधी प्रयोगों के परिणाम हैं। ये प्रयोग किसी नियंत्रणात्मक स्थिति में नहीं किए गए बल्कि सहज रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दूसरे शब्दों में गांधी जी की शिक्षा से जुड़े प्रयोग बुनियादी तौर पर अपने समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए या समस्याओं को हल करने के लिए अपनाए गए या अपनाए जाने वाले तरीकों के परिणाम के रूप में पाए गए हैं। इनके पीछे उनके रोजमर्रा के संघर्षों के अनुभवों का लंबा इतिहास छिपा हुआ है जिसे मोटे तौर पर भी चार भागों में बांट सकते हैं। एक, गुलाम भारत के एक ठेठ भारतीय घर का माहौल। दो, पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का खुला माहौल।
3 दक्षिण अफ्रीका का तनाव भरा माहौल तथा 4 भारत में वापस आने पर भारत की गरीबी सामाजिक राजनीतिक समस्याओं वाला माहौल। इन सब के साथ साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसने उनके जीवन को मानो एक दिशा दी वह एक किताब से जुड़ी है और वह किताब है जॉन रस्किन की ऑन टू दिस लास्ट। यह भी सच है कि गांधी जी इस किताब के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे लेकिन फिर भी उससे प्रभावित जरूर हुए। असहमति का कारण विचारों से असहमति नहीं थी बल्कि उसके दायरे को लेकर थी। रस्किन ने अपनी पुस्तक में उपेक्षित अल्पमत के कल्याण की चर्चा की थी जबकि गांधी जी के विचार सबके उदय के पक्ष में थे और बाद में उनका यही दर्शन सर्वोदय के रूप में हमारे सामने आया। सर्वोदय का सीधा साधा अर्थ है सबका हर तरह से कल्याण। इसी सर्वोदय के दर्शन की छाप सीधे तौर पर गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर बड़ी साफ साफ दिखाई देती है। यह जीवन दर्शन केवल सिद्धांतों पर ही टिका हुआ नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों के लक्ष्यों को शिक्षा द्वारा पाने की कोशिश में गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से समय समय पर की। यही शिक्षा संबंधी कोशिशें उनका शिक्षा दर्शन है। जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी होने के कारण ही वह बुनियादी शिक्षा है। हालांकि गांधी जी ने खुले तौर पर यह घोषित किया है कि उनके शिक्षा संबंधी विचार कोई नए नहीं है पर सच्चाई तो यह लगती है कि बुनियादी शिक्षा की संकल्पना शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति नहीं तो आंदोलन तो अवश्य है। सार रूप में यह शिक्षा हाथ मस्तिष्क व हृदय के संयोग की शिक्षा है। हर विषय की सामग्री व उनके शिक्षण के तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं बल्कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। उनकी शिक्षा का पूरा ढांचा श्रम के प्रति उचित अच्छी नजर पैदा करने से जुड़ा हुआ है क्योंकि जिस समय गांधी जी भारत में सामाजिक क्रांति की बुनियाद खड़ी कर रहे थे उस समय भारत की भीतरी समस्याओं में ऊंच नीच छुआछूत आदि समस्याओं की जड़ें बहुत गहरे में जमी हुई थी। इन जड़ों की जड़ में अलग अलग तरह के कामों का स्वरूप ही था। अतः गांधी जी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि समाज को किस प्रकार संगठित किया जाए और इसी के परिणाम स्वरूप श्रम के प्रति उचित दृष्टिकोण पैदा करके गांधी जी ने एक साथ दो मोर्चों पर काम किया। पहला सामाजिक संगठन और दूसरा व्यक्ति की आत्मनिर्भरता के द्वारा लोगों में देश के आत्मनिर्भर होने के एहसास की जागृति। इस तरह से आर्थिक राजनीतिक आदि दृष्टिकोणों से विचार किया जाए तो बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था सच में एक आंदोलन है। शायद इसीलिए अपने समय में नई तालीम यानी नई शिक्षा के नाम से पुकारा गया। इसके नएपन को समझाते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नई तालीम का नयापन समझना जरूरी है। पुरानी तालीम में जितना अच्छा है वह नई तालीम में होगा लेकिन उसमें नयापन काफी होगा। नई तालीम अगर सचमुच नई होगी तो उसका नतीजा यह होना चाहिए कि हमारे अंदर जो मायूसी है उसकी जगह उम्मीद होगी, कंगालियत की जगह रोटी का सामान तैयार होगा, बेकारी की जगह धंधा होगा, झगड़ों की जगह एका होगा और हमारे लड़के लड़कियां लिखना पढ़ना जानेंगे और साथ ही साथ हुनर भी सीखेंगे जिसकी मार्फत वे अक्षर ज्ञान हासिल करेंगे। जब तक उन्हें यानी बच्चों को इतिहास भूगोल जवानी गणित और कतई की कला का प्रारंभिक ज्ञान ना हो जाए तब तक मैं उन्हें वर्णमाला नहीं सिखलाऊंगा। मैं असल जोर उद्यम या धंधे पर नहीं बल्कि हाथ के उद्योग द्वारा शिक्षण पर दे रहा हूं। साहित्य इतिहास भूगोल गणित आदि सभी विषयों की शिक्षा उद्योग द्वारा ही दी जानी चाहिए। शैक्षिक दृष्टि से किसी विशिष्ट दस्तकारी को शिक्षा का आधार बनाने पर बच्चों की जानकारी आज से कहीं अधिक ठोस और व्यावहारिक होगी। बच्चे जो कुछ सीखेंगे उसका जीवन से लगाव होगा और उसके साथ उसके सबसे पहलू एक दूसरे से गुथे होंगे। गांधी जी के इन शिक्षा संबंधी विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए सन 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। समिति ने इस शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा, मौजूदा साज सामान लूट खसोट छीना झपटी और मारपीट की नींव पर खड़ा है परंतु समाज तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सब लोग हिलमिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए रह सकें। इस नए समाज को पैदा करने में मदद पहुंचाना शिक्षा का काम है। ऐसा नया तरीका चलाया जाए जिसमें नई रचना करने की ताकत हो और जिसकी नींव मनुष्यों की आपसी हमदर्दी और भलाई पर रखी गई हो, जो राष्ट्रीय जीवन के आदर्शों और जरूरतों से अधिक घुली मिली हो और जो मौजूदा जरूरी मांगों को अधिक अच्छी तरह पूरी कर सकती है। समाज की दृष्टि से देखें तो इस तरह से जब देश के बच्चे मिलजुल कर व्यावहारिक एवं उत्पादी कार्य करेंगे तो आज मेहनत मजदूरी करने वालों और दिमागी कार्य करने वालों के बीच में जो जात पात की दीवारें खड़ी हैं और जो दोनों को हानि पहुंचा रही हैं वे अपने आप ही धीरे धीरे हट जाएंगी। हमारे देश में मेहनत मजदूरी को सम्मान की दृष्टि से देखने और मानवीय एकता के भाव सहज सही तौर पर कायम करने के लिए यही एक तरीका है और इसे आम जनता को जो नैतिक और आध्यात्मिक लाभ होगा उसका असर बहुत दूर तक पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से यदि इस योजना को भलीभांति लागू किया जाए तो यह हमारे कारीगरों की क्षमता बढ़ाएगी और उन्हें अवकाश के क्षणों में लाभ उठाना सिखाएगी। शिक्षा पद्धति की दृष्टि से गांधी जी की इस शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता इसका मनोवैज्ञानिक आधार था। समिति का मानना है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि उत्तम है। यह बच्चों को किताबी पढ़ाई के बोझ से बचाती है और मनुष्य के दिमागी तथा व्यावहारिक अनुभवों में समता बनाए रखती है। इसके द्वारा हाथ और मस्तिष्क दोनों को साथ साथ शिक्षा मिलती है। इससे बच्चों को मिली शिक्षा इतनी सतही नहीं होती कि वे केवल छपे हुए पृष्ठ ही पढ़ें। अभी तो इतनी योग्यता हो जाती है कि वे अपने हाथ और मस्तिष्क का पूरा उपयोग कर उत्पादी कार्य कर सकें।
यह मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व की शिक्षा है। इस तरह गांधी जी की शिक्षा दर्शन मूल रूप से अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों की जरूरतों का दर्पण है, जहां इसने गांधी जी के जीवन दर्शन को सत्य अहिंसा आदि जैसे आदर्शों को आदर्श बनाया, वहीं इसने सब कुछ मूल रूप से अपने समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा है। यह शिक्षा असल में बच्चे को केंद्र में रखकर बच्चे को भावी समाज की छवि के अनुरूप ढालने की अपेक्षा उसे समाज की जरूरतों को समझने के योग्य बनाने का सपना है। लेकिन यह साफ है कि तात्कालिक आवश्यकताओं को समझना इसकी तात्कालिक आवश्यकता थी। भारत जैसे देश में सामुदायिक जीवन इसका सपना नहीं, इसकी आवश्यकता है। शिक्षा का लक्ष्य यथार्थ की ठोस भूमि पर खड़े होकर समाज का दर्शन करना है। यह समाज की परिस्थितियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की शिक्षा है, स्वावलंबन की शिक्षा है। यहां एक बुनियादी प्रश्न उन्हीं के शब्दों में खड़ा हो जाए तो सवाल होता है कि इस प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो। मेरा जवाब है कि किसी उद्योग या दस्तकारी को बीच में रखकर उसके जरिए ही सारी शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन यह जरिया कोई अलग से एक कार्य या कौशल के रूप में न होकर बुनियादी शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं वह पढ़ाई के साथ साथ एक धंधा सिखा देने की चीज नहीं है। लड़कों को जो कुछ भी सिखाया जाए वह किसी उद्योग या दस्तकारी के जरिए सिखाया जाए, और आगे जगह जगह उन्होंने इसी के जरिए दूसरे विषयों जैसे गणित, भाषा, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान आदि को पढ़ाने की बात की है। लेकिन इतना साफ है कि इन सब का ज्ञान जीवन की व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है। काका कालेलकर ने गांधी जी की शिक्षा योजना को खोज के नाम से पुकारा है। शिक्षा में यानी खोज में आगे फिर उन्हीं के शब्दों में शिक्षा के मायने ही है अनुभव और कौशल्य। उसके साधन है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, कौशल्य, पुरुषार्थ व पराक्रम। दुनिया में आते ही मनुष्य का यह शिक्षण शुरू होता है और अंत तक चलता ही रहता है। ईश्वर की दी हुई इंद्रियों के द्वारा सृष्टि का प्राकृतिक तथा मानसिक सृष्टि का निरीक्षण करना यह सबसे पहला व्यापार यानी कार्य है। इसी को उन्होंने प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी पुकारा। इस समूची चर्चा में पद्धति के प्रसंग में गांधी जी की शिक्षा प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है, और वह है शिक्षण एक प्रयोग की विधि है, और इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रयोगशालाएं नहीं चाहिए, बल्कि हर एक जगह जहां शिक्षण किसी गतिविधि से कराया जाएगा वही प्रयोगशाला है। ऊपर की सारी विशेषताएं असल में बच्चे के स्वभाव की विशेषताएं हैं, यानी शिक्षा का केंद्र बिंदु हर प्रकार से बच्चा ही है। असल में यही मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मनोवैज्ञानिक पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि यह जिसके लिए बनाई या रची जाती है वह उसी की क्षमता, रुचि आदि के अपने केंद्र में रखती है। बाहरी दबाव या परिवर्तन की अपेक्षा भीतरी मानस को उसके अनुकूल बनाकर कार्य करती है, अतः स्थायी है। इसमें लक्ष्य या साध्य की जगह साधन को अधिक महत्व मिलता है, इसलिए अनेकों बार इसका दायरा बहुत सिमटा हुआ है, यह इसकी सीमा है। लेकिन यह भी सच है कि बहुत दूर दूर तक फैले हुए उद्देश्य भी शिक्षा की प्रक्रिया की सफलता की कसौटी नहीं है। अगर इन उद्देश्यों को उपयुक्त साधनों के द्वारा भली भांति समेटा नहीं जाता, इस नजर से दोनों में समन्वय जरूरी है। गांधी शिक्षा दर्शन में इस समन्वय के दर्शन की झलक बहुत ही साफ साफ मिलती है। बुनियादी शिक्षा समिति ने इस शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि एक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस शिक्षा प्रणाली का ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल किताबी और काल्पनिक शिक्षा से ही विद्यार्थियों की रक्षा न करेगी, बल्कि यह बौद्धिक और व्यवहारिक शिक्षा के बीच संतुलन लाएगी और उन्हें समन्वित करेगी। दो, सामाजिक दृष्टि से इस शिक्षा प्रणाली की विशेषता तथा उपयोगिता यही है कि इसमें उत्पादक श्रम के कार्यों को स्थान मिलेगा, जिससे शारीरिक श्रम करने वालों और बुद्धिजीवियों के बीच का भेदभाव समाप्त होगा तथा साथ ही सामाजिक समता की स्थापना में विशेष रूप से सहायक होगी। तीन, आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रकट होगा कि हमारे देश में जो लोग धन उत्पादन करते हैं उनकी उत्पादन क्षमता इस शिक्षा के कारण बढ़ेगी। चार, शिक्षा सिद्धांतों की दृष्टि से भी यह शिक्षा विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किए जाने वाले ज्ञान में वास्तविकता लाएगी। यहाँ एक बात की ओर खासतौर से ध्यान देना होगा कि गांधी जी शिक्षा संकल्पना व्यक्ति को एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के निर्माण की संकल्पना है, यानी उसके शिक्षित व्यक्ति की कल्पना का अर्थ है एक आत्मनिर्भर व्यक्ति। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि इसे भी धन आदि के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ताकि यह केवल सरकारी नीतियों का औजार ही बनकर न रह जाए। यह उस समय की परिस्थितियों की मांग थी। इस समुचित शिक्षा व्यवस्था की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो यह एक और जहां गांधी जी के जीवन दर्शन को इशारा करती है, वहीं दूसरी ओर गांधी जी के शिक्षा दर्शन के दूसरे पहलू भी उभरते हैं। यह सच है कि गांधी जी सभी समस्याओं व विवादों का निदान के लिए ऐसे साधनों की खोज में थे जो न केवल अहिंसक हों बल्कि कारगर भी हों। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने इस दोहरी भूमिका में देखा, एक, शिक्षा एक अहिंसक व कारगर साधन है। दूसरा, शिक्षा के द्वारा ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जाए जो अहिंसक व कारगर सिद्ध हो सके। यह सत्य के आग्रह का सकारात्मक रास्ता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा सामाजिक बदलाव का एक सकारात्मक साधन है, हृदय परिवर्तन का एक ऐसा मार्ग जिसमें व्यक्ति के सृजनात्मक पक्ष को पहचानने की कोशिश लगातार जारी रहे। जेबी कृपलानी का विचार है कि यदि पारस्परिक सहायता और सहयोग शब्दों की अर्थवत्ता कायम रखनी हो तो पाठशाला के समाज को किसी उपयोगी सृजनशील प्रवृत्ति में लगना ही चाहिए। यह हेतु पाठशाला में किसी कला या दस्तकारी के संगठन से उत्तम रूप में सिद्ध किया जा सकता है। स्वशासन के तत्व रूप में
सृजनशील श्रम का मूल्य जितना आंका जाए उतना ही थोड़ा है। यह स्वशासन विद्यार्थियों पर ना तो ऊपर से थोपा जाता है ना वे उसकी नकल करते हैं, परंतु वह दैनिक जरूरतों और आवश्यकताओं से पैदा होता है। कोई कला या दस्तकारी पहले से निश्चित की हुई योजना और हेतु के बिना सफलतापूर्वक अमल में नहीं लाई जा सकती और उसके लिए पाठशाला के सदस्यों को अपना संगठन और अनुशासन करना पड़ता है। वांछित परिणाम लाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सहयोग करना पड़ता है। इसलिए श्रम और उद्योग के सिद्धांत में पाठशालाओं में लोकतांत्रिक स्वशासन को सबसे ज्यादा उत्तेजन मिलता है। इससे शिक्षक के निशांत नेतृत्व में राजनीतिक और नागरिक गुणों के विकास के अवसर भी प्राप्त होते हैं। कैसेट नंबर 3 साइड ए पृष्ठ 75 से 92 तक समाप्त।